नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूँ उसमें आपको मैं बताता हूँ कि जो सेडान कार्स होती है उनमें आपको रियर वाइपर वॉशर क्यों नहीं मिलता। ये टॉपिक बहुत ऑड है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इसका मेन रीजन क्या होता है। तो द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट द सेडान कार्स इज बेस्ड ऑन इट्स डिजाइन। सो जो सेडान कार का जो डिजाइन होता है ना, वो आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है। ये मैंने सेडान कार की रूफ मानी, ये मैंने बैक ग्लास माना। तो उस हिसाब से क्या होगा कि जब आपकी कार जो हाई स्पीड पे रहेगी ना, तो एयर है ना ऊपर से आके और पीछे के विंडशील्ड जो उससे पूरी जुड़ी हुई है, मतलब जो क्या होता है कि इसका रीजन ये है कि बहुत सारे रीजन से वैसे, लेकिन मैं आपको मेन रीजन क्या होता है, एयर फ्लो। जैसे ये रूफ है और ये उसका ग्लास है, तो ग्लास जो है ना उसमें पूरा एस एंगल में होता है, मतलब है ना एज कम्पेयर वो बहुत ज्यादा लीन होता है और वो पूरा जुड़ा हुआ होता है रूफ से। तो उससे क्या होता है, अगर यहाँ पे धूल मिट्टी कुछ आती है तो वो जो सामने से जो एयर आ रही है वो हाई स्पीड से आ रही है, मतलब थोड़ी भी गाड़ी स्पीड में होगी तो जो एयर आएगी ना वो इस धूल को हटा के जाएगी, या वैक्यूम क्रिएट होता है और उससे वो धूल हट जाता है। तो ये भी रीजन है कि सेडान में वाइपर की जरूरत नहीं पड़ती। और यूं और देखा जाए तो सेडान में अगर वाइपर लग भी जाए तो उसकी लुक को वो बिगाड़ देती है, बहुत हद तक तो लुक अच्छा नहीं लगता, एक अटपटी चीज आ जाती है, यार ये क्या आ गई, ये क्यों था, ये चीज आ जाती है उसमें, ठीक है। और एक और इसका रीजन ये है कि अब ये चीज जो है ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स और पड़ जाएगी और इससे माइलेज कम होगा। ये चीज आपने बहुत कम सुनी होगी, लेकिन मैंने जिस हिसाब से रिसर्च करी है उस हिसाब से मुझे ये लगा है कि जो अब आप पीछे वाइपर लगाएंगे, पीछे वॉशर लगाएंगे, फिर उसी मोटर लगाएंगे, फिर उसका एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म पूरा होगा, तो इसमें गाड़ी का माइलेज ड्रॉप होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा और माइलेज कम हो जाएगा। और अब क्या, अब मैं इस कंपेयर करूँ कि एसयूवीज और हैचबैक्स में वाइपर क्यों आता है, तो उसका एक रीजन ये है कि एसयूवी और हैचबैक जो उनकी रूफ लाइन होती है वो फुल स्ट्रेट होती है, और जो ग्लास है वो मोस्टली स्ट्रेट तो नहीं रहेगा, स्ट्रेट भी रहता है कुछ केसेस में, फॉर्चुनर में देखा जाए तो मोस्टली वो बहुत हल्के एंगल पे रहता है, लेकिन बहुत मोस्टली तो वो स्ट्रेट ही रहता है, 90-95-100 पे रहता होगा, लेकिन मोस्टली वो दिखता स्ट्रेट ही है, ठीक है। और अब मैं बात करूँ इसे भी हैचबैक के बारे में, हैचबैक और एसयूवी, तो मैं मानता हूँ ये एंगल ठीक है, अगर इस हिसाब से भी रहता है तो मैं ऊपर स्पॉइलर, मोस्ट केसेस में स्पॉइलर नहीं होता है, अगर स्पॉइलर होता भी है तो क्या होगा कि एयर आती है, एयर आएगी और सीधी की सीधी निकल जाएगी, तो उस कारण जो भी आपके मस्त डस्ट और मड यहाँ पे रहेगा वो वहीं रह जाएगा और वो साफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होगा कि एयर सीधी की सीधी निकल जाएगी और वो रूप से ही पास होकर सीधी निकल जाएगी और वहां आपका ग्लास अनटच रह जाएगा। तो इस कारण क्या होता है कि कंपनी रियर वाइपर वॉशर सब देती है उसमें, हैचबैक्स और एसयूवी में, और यही रीजन है कि सेडान में नहीं आता, वाइपर नहीं आता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।